I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. गाइज एक ना जमाना हुआ करता था जब अपने देश में बाल विवाह तो होते थे लेकिन अरेंज मैरिज माँ बाप करा दिया करते थे बाल विवाह। और आज भी बाल विवाह होती है, बस फर्क इतना रह गया है कि आजकल बाल विवाह लव मैरिज हो रही है, बच्चे अपने मर्जी से शादी कर रहे हैं। जिस उम्र में मैं गिल्ली डंडा खेला करता था उस उम्र में ये एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। जिस उम्र में मैं अपने दोस्तों के साथ रेड रेंजर बनने के लिए लड़ा करता था उस उम्र में ये सॉरी। तो आज हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है निब्बा निब्बी के ऊपर। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गो। अरे बस बस रोको, इसके आगे मैं नहीं देख पाऊंगा यार। ये तो अश्लीलता पे उतर है बे, चुम्मा चाटी पे उतर है डंडा कहीं का। तो इनसे मिलो, ये है निब्बा निब्बी यूनिवर्स के रोहन प्रीत और नेहा कक्कर, मतलब निब्बा निब्बी अल्ट्रा प्रो मैक्स। अच्छा इसमें लड़के का नाम है सिमल और लड़की का नाम है मनीषा। लव स्टोरी का तो नहीं बता सकते, शादी का जरूर बता सकते। लव स्टोरी का अगर देखना तो कल छोड़ेंगे वो वीडियो। तो लव स्टोरी वाली वीडियो ये कल छोड़ेंगे गाइस, कल छोड़ेंगे तो पकड़ लेना ठीक है। बदबू आएगी थोड़ी लेकिन कोई बात नहीं, पकड़ लेना ओके। तो ये दोनों जिसको तुम सबने अभी देखा ये दोनों शादीशुदा थे। हाँ मैंने थे बोला क्योंकि अब ये दोनों साथ में नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे हैंडसम लड़के को तुम देख रहे हो ना सिमल, ये बंदा छपरी यूनिवर्स का अरमान मलिक है, क्योंकि अरमान मलिक की तरह इसको भी शादी करने का शौक है। ये बंदा इतनी छोटी उम्र में 3-3 शादी कर चुका है। सच बोल रहा हूँ, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब SST का होमवर्क करने की उम्र में ये बंदा 3-3 शादियां कर चुका है। पहले इसने मनीषा से शादी की, उसको ये अपना वाइफ और अपनी लाइफ कहने लग गया। अच्छा फिर इसने अक्कू से शादी कर ली, उसको भी ये अपनी लाइफ और अपनी वाइफ कहने लगा। जिसकी अभी तुमने वीडियो देखी है अक्कू थी हाँ। और अब इस बंदे ने किसी रानी नाम की लड़की से शादी की है। गाइस देखो कितना मस्त वीडियो है गाइस, जिंदगी में पहली बार हम दूल्हा बने हैं और रानी दुल्हन बनी है। अच्छा जिंदगी में पहली बार दूल्हा बन रहा है? नहीं पहले दो बार तो उन लड़कियों से तू राखी बंधवा के आया था ना। ये बंदा पहली वाइफ जो इसकी थी मनीषा, उसका हाथ मांगने के लिए उसके घर चला गया और बात कर रहा है कि मैं पहली बार दूल्हा बन रहा हूँ। क्या बोलता है, कुछ भी बोलता है। वो जब जा रहे थे उस टाइम दिल इतना घबरा रहा था कि ओ यार पहले तू ना सांस ले ले, वीडियो बाद में बनाइयो, कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो बनाने के चक्कर में तेरी सांस रुक जाए और उसके साइड इफेक्ट से तेरी जिंदगी के साथ साथ तेरे पीछे से टट्टी भी निकल जाए। जैसे हाँ बोला ना तुरंत पॉकेट से हम सिंदूर लगा दिए और उसी टाइम में मंगलसूत्र पहना दिए। लौंडे की हिम्मत देख रहे हो तुम, जैसी हाँ बोला वैसे सिंदूर लगा के मंगलसूत्र पहना दिया इसने। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? नहीं घर वाले भाड़ में जाए, मैं तो अभी शादी करूंगा। अबे जब घर वालों ने हाँ बोल दी थी, मान गए थे तो अच्छे से शादी कर लेता ना पूरे रीति रिवाज के साथ, लेकिन नहीं रुका ही नहीं जा रहा तेरे से। तड़प ही ऐसी है ना। और हाँ मैं ना बाल विवाह के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, मैंने ये वाली बात बस बात बताने के लिए कही है। इस बंदे ने 3 शादी तो की है लेकिन थर्ड वाली बीबी जो है इसकी रानी, उसको इसने प्रेग्नेंट भी कर दिया। रानी प्रेग्नेंट है, आई एम सो हैप्पी। 3 सप्ते में कौन प्रेग्नेंट होता है बताओ, उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि कौन होता है वो, तो तू जान कैसे और कौन होता है। इतना भी क्या भरा पड़ा था कि 1 साल तो छोड़ो 1 महीना भी नहीं रुका तू। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रानी प्रेग्नेंट नहीं है। सोच रहा हूँ इसकी ये वाली बात सुन के इसे बहामास के चप्पल से मारूं या पैरागोन से। सालों ने प्रेगनेंसी और कंटेंट बना दिया है बे, कि वीडियो में जब मन करा तब प्रेग्नेंट कर दिया और अगले वीडियो में यही आके बोलते हैं कि ये तो प्रेग्नेंट ही नहीं थी। प्रैंक हो गया आपके साथ। आई लव यू मनीषा, शादी करना ना। शादी करना तभी जो आई लव यू बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलने वाले। हाँ तो बड़ा होंगे तब। फिर भी रुका नहीं गया तेरे से बड़े होने का, बड़ा तो नहीं हुआ लेकिन हाँ 3 दिन शादी तूने जरूर कर ली। सो गाइस वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना, मेरे मम्मी को, मेरे मम्मी डांस करते हुए कितनी क्यूट लगती है, कितनी प्यारी दिखती है और मेरे साथ डांस करती है और हम दोनों बहुत अच्छे लगते ना गाइस, कमेंट करना बताना। हाँ मम्मी अच्छी तो लग रही है, साथ ही साथ मासूम भी लग रही है मेरे को। अभी तो जो बेटा बोल रहा है वो मम्मी कैमरा के सामने आके कर दे रही है। चलो लाइक के लिए भीख मांग लेता, तो गाइस इस वीडियो को लाइक करो, माँ के लिए 1 लाइक तो बनता है, 1 लाइक इज इक्वल टू माँ की 100 साल की उम्र। और गवार एक बात बता, कमेंट करके बताए कैसे कमेंट तो ऑफ कर रखा है तूने।
खैर गाइस इसका कमेंट सेक्शन तो ऑफ है, लेकिन मेरा कमेंट सेक्शन बिल्कुल भी ऑफ नहीं है। जल्दी से बताओ वीडियो कैसी लगी, और वीडियो पसंद आई हो तो बाकी तुम्हें पता है कि क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है, तो कर देना सब, ठीक है। पीस।